हेलो गाइस, मैं हूं पवन सगड़ा एंड वेलकम बैक टू थ्री वाइज बॉलीवुड। दोस्तों आज है 14 जनवरी, यानी कि दोस्तों आज है मकर संक्रांति। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों आज मूवी रिलीज़ हुई है महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी, जिसका नाम है नाय वरन भात लोंचा कोन्या कोंचा। दोस्तों ये थोड़ा मतलब बहुत ही बड़ा टाइटल है, बट खैर इसकी दोस्तों जो मतलब रियलिटी हम बोल सकते हैं, जो कम्युनिटी जो चॉल सिस्टम होते हैं उसमें जो रियलिटी दिखाई गई है, सेम रियलिटी बड़े पर्दे पे महेश मांजरेकर साहब ने डायरेक्ट करके बड़े पर्दे पे दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ऐसे में मैंने हमारे बॉलीवुड एक्सपर्ट को बुलाया है, लेट्स वेलकम हिम। सो विघ्नेश भाई, सबसे पहले आपका थ्री वाइज बॉलीवुड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। तो विघ्नेश भाई, वरन भात लोंचा डायरेक्शन में बनी हुई महेश मांजरेकर के, आपको ये मूवी लगी कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल महेश मांजरेकर साहब है तो वो हमेशा हटके मूवी बनाते हैं, तो ये मूवी टाइटल थोड़ी कंफ्यूजिंग है, नाय वरन भात लोंचा, मतलब एक्चुअली टाइटल ही मुझे समझ में नहीं आया, तभी आपने मुझे बताया कि हाँ ना दाल भात ना रोटी, मतलब कि ऐसा कुछ टाइटल है। सबसे पहले ये मूवी अनप्लान था, मेरा देखने का कोई प्लान नहीं था। आज वैसे मकर संक्रांति है और पोंगल भी है, तो नई मूवी कुछ लगी नहीं, बहुत टाइम हो गया पिक्चर देखने को, तो मैंने सोचा चलेगा आज ही, मैंने सोचा था कि देख लेते हैं। पहले सोचा देखूँ या नहीं देखूँ, फिर मैंने पहले टीज़र देखी, टीज़र मुझे एकदम खतरनाक लगी, तो सोचा भाई आज संक्रांति के दिन है तो देख ही लेते, तो देखी मैंने, तो जैसा मैंने सोचा था मतलब कि उससे तो बहुत ऊपर हो गई, मतलब कि इट्स आउटस्टैंडिंग मूवी। देखा जाए तो यहाँ आप टाइटल देख रहे हो, 18 वर्षावरील प्रेक्षणी दम असेल तरच थिएटर, मतलब 18 साल के ऊपर वालों को इन्होंने चैलेंज किया, अगर दम है तो थिएटर में देखने आओ, मतलब कि ये दम होनी चाहिए एक्चुअली ऐसा, मतलब कि क्या बोलूँ मैं, मतलब कि मानना पड़ेगा एक्चुअली, या इट्स एडल्ट मूवी हम इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी दिखा है ना एक्चुअली पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ देखना एक्चुअली अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही गाली गरोज है, इसमें गाली गरोज मतलब कि मुझे समझ, जैसे पिक्चर चालू हुआ मिनिमम 30 मिनट्स तक मतलब इससे ही चलता रहा, मतलब कि गाली गरोज, पहले थोड़े ट्विस्ट थी बट गाली गलौज ही चल रही थी मोस्टली, एंड तो मैंने सोचा यार मतलब कि पिक्चर तो एवरेज ही होगी मेरे ख्याल से, एंड गाली गलौज ही है पूरी तरफ से, लेकिन 30 मिनट्स के बाद जो पहला ट्विस्ट आती है ना उसके बाद बिलीव मी मतलब कि आप आँख बंद नहीं करोगे, मतलब क्या सुपर क्या स्टोरी है यार, मतलब कि क्या कहानी बने यार, ये दो बच्चे लोग मतलब दे आर द हीरोज, मतलब कि देखा जाए क्या काम किया इसका, मुझे जिन्होंने इनका नाम मुझे नहीं पता लेकिन सुपर आउटस्टैंडिंग क्या काम किया इन्होंने, मतलब कि इवन आज अंतिम के मामले में सलमान खान और सूरज जो आयुष शर्मा उनको भी एक्चुअली खा लेते थे, क्या दमदार एक्टिंग किया यार, परफॉर्मेंस की बात करो, स्टोरी तो देखा जाए तो बताए बच्चे लोगों के ऊपर ही कहानी बनाए कि उनको मतलब कि सहारा देने वाला इनकी जो दादी बताई है, इनका भी काम एक सुपर था, इनका मर्डर इनका जब एक्चुअली मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ बट ऐसा कुछ हो जाता है कि ये बेसहारे बन जाते हैं, बट वो टाइम पे भी ये कुछ ऐसा कर देता है, कुछ ऐसा कांड कर देता है मतलब कि सब देखते रह जाते, मतलब सुपर, मतलब एक बार तो देखना बनता ही है, मतलब कि आज मैंने सुना है कि एक हफ्ते पहले मतलब ट्रेलर रिलीज़ किया था, उसके बाद उसको मतलब कि डिलीट कर दिया था, कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ होता है सीन में, मैंने सुना है मूवी में भी कुछ सीन्स काटे हैं वगैरह वगैरह, तो मैं ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ जज मत कीजिए टीज़र देखने के बाद, ये ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है फैमिली के साथ मत देखिए, दोस्तों के साथ देखिए या अकेले देखिए या मतलब कि किसी या मतलब कि, लेकिन देखिए ज़रूर, ये देखना ज़रूरी है क्योंकि इससे मतलब कि स्टोरी भी है, क्योंकि एक्चुअली जो बेस बताई है मुझे वास्तव जैसे, मतलब वास्तव का जो बेस था महेश मांजरेकर साहब ने डायरेक्ट किया था और इसके बाद अभी अंतिम भी आई थी, मतलब जो बेस इन्होंने बताया जो जैसे मतलब कि पालोगे वैसे मतलब कि जैसे समझ रियल या तो बहुत अच्छी रही, एंड मतलब कि क्लाइमैक्स तो बहुत ही खतरनाक था,
मतलब कि क्लाइमैक्स देखते हैं मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब कि ओवरऑल मतलब एंटरटेन, मतलब कि एक या दो मतलब एक बार तो देख ही सकते। आज गोसिप में लगी थी मतलब कि कुछ कुछ कम स्क्रीन्स दिए थे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मूवी बहुत डिजर्विंग मूवी है, तो एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और महेश मांजरेकर साहब का डायरेक्शन है तो मतलब कि पब्लिक तो आँख बंद करके देखते हैं, भले ही इधर इसमें जितने भी स्टार्स हैं मतलब सब लोग स्टेज आर्टिस्ट है, मतलब कि ये जो बड़े बड़े मतलब कि इन्होंने कुछ कुछ एक्टर्स आई थिंक सो क्राइम पेट्रोल के भी है कुछ एक्टर्स एंड कुछ एक्टर मतलब मोस्टली सब लोगों ने काम सबका काम अच्छा गया। एक्चुअली इन लोगों का सबसे बड़ा दम है ना मूवी का स्टोरी का, जैसे मैं दिलीप कुमार साहब का एक मतलब वो कहा करते थे नो आर्टिस्ट कैन राइज अबव द स्क्रिप्ट, करेक्ट है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं ना जिनका परफॉर्मेंस में ही पैसा वसूल है, मतलब कि क्या काम किए, मतलब कि दिलीप कुमार साहब का फॉर्मूला कहीं ना कहीं मतलब कि गलत भी हो सकता है, ऐसे उन्होंने मतलब कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट हाँ स्टोरी भी है, स्टोरी ऑफ कोर्स सेकेंड हाफ में जो है स्टोरी पूरा भर बताया है मतलब जो भी है वगैरह वगैरह, सो या इट्स अ टाइम मतलब कि टाइम पास मूवी बोल सकते हैं या मतलब कि ऑडियंस एंजॉय कर सकती है ये मूवी। या महेश मांजरेकर साहब का नो डाउट वो जब भी मतलब कि डायरेक्शन के मामले में बोलते तो वो मतलब कि सही मतलब बहुत अच्छे से करते, या फाइनेस्ट वास्तव आप देख लो या आप देख सकते हो अंतिम भले ही रीमेक थी बट जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो सुपर्ब थी। एंड बहुत सारी मूवी है, बहुत सारी महेश मांजरेकर साहब की मूवी है जो महेश मांजरेकर साहब डायरेक्शन के मामले में नंबर वन है, नंबर मतलब बहुत बहुत मतलब नंबर वन एज इन बहुत ये नहीं है बट स्टैंडर्ड नहीं है जैसे, बट जैसे करते हैं ना परफेक्ट करते हैं महेश मांजरेकर साहब। जैसे कि इसमें म्यूजिक दिया है हितेश मोदक ने जिन्होंने अंतिम में अपना म्यूजिक दिया था, हाँ म्यूजिक आपको इस मूवी में कैसा लगा? म्यूजिक ज़्यादातर तो यार एक्चुअली म्यूजिक ज़्यादा नहीं थी आई थिंक सो बैकग्राउंड स्कोर या एक्चुअली म्यूजिक तीन है बट बैकग्राउंड जो दिया है मतलब म्यूजिक वो सुपर्ब दिया है, मतलब कि मेरे ख्याल से तो म्यूजिक हाँ मतलब कि ऐसा बहुत कम मूवी है जो म्यूजिक के बिना चल जाती है, बट ये उनमें से मतलब कि ऐसी मूवी है जो मतलब कि कंटेंट और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ये मतलब कि ये बहुत मजबूत होनी चाहिए, तो म्यूजिक भी पब्लिक नहीं देखती है, तो मेरे ख्याल से तो मूवी बहुत अच्छी है एंड चलनी भी चाहिए। आज भले ही कम शोज़ दिए है ये मूवी के लिए, मैं चाहता हूँ कि और भी शोज़ डाले ताकि ऑडियंस आके देखे। वैसे तो पुष्पा स्पाइडरमैन जैसे मूवी तो चल ही रही है अपना, बट ये मूवी आई है मतलब कि मकर संक्रांति के टाइम, तो मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा ये ज़रूर ये मूवीज़ जहाँ भी लगे हो थिएटर में ये टाइटल और जो भी पब्लिक का जो भी लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट या क्रिटिसाइजेशन को भूल जाइए, मतलब कि एक बार आप मूवी देखिए तब आपको मतलब उसके बाद जज कीजिए। कश्मीरा शाह इसमें अपीयरेंस की दिखे आपको, तो आपको उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड, मतलब कि उनका मराठी लैंग्वेज है हाँ उनका तो मतलब सुपर मतलब कि बोल सकते हैं बहुत अच्छा गया, उनके सबसे बहुत अच्छे किए हैं, मतलब कि मैंने वही बोल रहा हूँ एक या दो को मेंशन नहीं करना चाहता सभी एक्टर्स ने, बट सबसे भारी तो ये दो बच्चे लोग उनमें से एक ये था, इनका नाम याद नहीं बट इसके बाद से इनका नाम चारों और फेमस हो सकता है। पाँच में से कितने स्टार देना पसंद करें? पाँच में से चार स्टार दूंगा मैं। okay. महेश मांजरेकर साहब का डायरेक्शन तो मतलब कि वो तो कहने के बात ही नहीं है, तो उसके लिए भी मैं चार स्टार देना चाहता हूँ। और मेनली आर्टिस्ट जिन्होंने परफॉर्म किए है उनके लिए मैं पाँच स्टार दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।